चलो शुरू करते हैं। मुझे फिर अभी तीन बच्चे दिखाई दे रहे हैं, और वो बच्चे नहीं दिख रहे जो लास्ट टाइम लास्ट दो क्लासेस में थे। फातिमा, आप लास्ट दो क्लासेस में नहीं थी ना? फातिमा बतूल, फातिमा फातिमा, कैन यू हियर मी? सर ये नीट क्लास है ना? यस इट इज नीट क्लास एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द नीट क्लास ओनली। फातिमा आप किस चीज की तैयारी कर रही हैं, नीट की या जेई की? बट आई डिडेंट सी यू आई गेस। एनीवेज तुम थी, पता नहीं, याद तो नहीं आ रहा मुझे। दमन अब आया है फातिमा बतूल। चलिए, खैर मुझे जहां तक याद है, व्हाट वी डिड लास्ट टाइम वाज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। डिड वी डू दैट? क्या करा था हमने लास्ट लास्ट डे? मुझे जरा सा रिमाइंड कराओ ताकि मैं आगे बढ़ सकूं, आगे चीजें सॉल्व कर सकूं या करा सकूं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ओके, वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड हमने ये देख लिया था कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस ऑफ डेल्टा डब्ल्यू, जिसमें मैंने आपसे ये बोला था कि डेल्टा वी सॉरी डेल्टा यू इज ऑलवेज इक्वल टू एनसीवी डेल्टा टी नो मैटर व्हाट द प्रोसेस इज। इट कैन बी एनी प्रोसेस, जो हम थर्मोडायनेमिक्स में जानते हैं वी हैव फोर प्रोसेसेस, बट इट कैन बी एनी प्रोसेस, डजंट मैटर, डेल्टा यू विल ऑलवेज बी इक्वल टू एनसीवी डेल्टा टी। दूसरा पॉइंट मैंने आपसे ये बोला था कि वी हैव वी ड्रॉ इंडिकेटेड डायग्राम एंड इन द इन केस ऑफ इंडिकेटेड डायग्राम आई टोल्ड यू दैट कि द एरिया अंडर द कर्व ऑफ दैट इंडिकेटेड डायग्राम विल ऑलवेज बी इक्वल टू द वर्क डन। और मैंने आपको इंडिकेटेड डायग्राम का मतलब ये समझाया था कि एक्चुअली में इंडिकेटेड डायग्राम इज द कर्व ड्रॉन बिटवीन पी एंड वी, मतलब का और वी का, पीवी का कर्व जो है वो इंडिकेटेड डायग्राम कहलाता है। तो अब देखो मेरा क्वेश्चन यहाँ पर ये है, एक क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है? वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चंस नाउ बिकॉज़ वी हैव डन द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मेरा क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन सर मेरा ये है कि लेट्स से द प्रेशर इज गिवन एज अल्फा वी का स्क्वायर। दिस इज द प्रेशर वेयर अल्फा इज अ कॉन्स्टेंट, where alpha is equal to 5 atm per meter to the power 6. ये अल्फा की वैल्यू है, ठीक है? प्रेशर इज गिवन बाय अल्फा वी स्क्वायर और अल्फा की वैल्यू है 5 atm, atm मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मीटर टू द पावर 6, ठीक है? हाउ मच ऑफ वर्क इज डन ऑन एक्सपेंडिंग द गैस, ठीक है? और ये गैस कहाँ से कहाँ तक एक्सपेंड हो रही है उसके लिए एक इंडिकेटर डायग्राम हमें दे रखा है। दिस इज पी एंड दिस इज योर वी एंड द ग्राफ स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, ऐसे ग्राफ, ठीक है? इस कर्व की जो इक्वेशन है ना, यही इक्वेशन पी इज इक्वल टू अल्फा वी स्क्वायर है, ठीक है? आपसे बोलता है कि यहाँ पर गैस हमारा था 1 m³ और यहाँ पर जब हम पहुंचे हैं तो द वॉल्यूम ऑफ द गैस बिकम्स इक्वल टू 2 m³, द वॉल्यूम ऑफ द गैस हैज बिकम 2 m³। तो आपसे सवाल क्या है? तो सवाल ये है सर, व्हाट विल बी द वर्क डन इन एक्सपेंडिंग द गैस। सवाल ये है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वर्क डन, विल यू अटेम्प्ट फॉर दिस? You don't need to, अच्छा ऐसे मत सोचो कि you will find the area under the curve because it is a curve, तो curve के इस curve के अंडर में area क्या आएगा वो तो आपको नहीं पता है ना, इस curve के अंडर में जो area आएगा वो आपको नहीं पता, ठीक है? इस curve के अंडर में जो area आएगा वो आप ऐसे तो calculate नहीं कर सकते because इसका कोई particular shape नहीं है, तो आप directly ऐसे तो answer नहीं बता सकते, ठीक है? तो आप ऐसे answer नहीं बता सकते, तो सर कैसे बता सकते हैं? तो इस आंसर को बताने के लिए आप एक काम करें, आप गो बाय द बेसिक। आपको एक बात पता है कि वर्क डन इज इक्वल टू पी डीवी होता है, वर्क डन इज इक्वल टू पी डीवी होता है, तो अगर आप पी डीवी से इंटीग्रेट करेंगे तो यू विल गेट द आंसर। तो गो बाय द बेसिक एंड ट्राई टू सॉल्व इट।
पीडीवी मतलब इंटीग्रेशन करें आप, पीडीवी करें, कोशिश करें आप। देखिए पहली बात तो है, हमसे बोला गया वर्क डन इन द एक्सपेंशन ऑफ द गैस, यही पूछा है ना हमसे। तो वर्क डन ड्यूरिंग द एक्सपेंशन ऑफ द गैस, तो वर्क इज बीइंग डन ऑन टू एक्सपेंड द गैस, तो वर्क को हम लिखते हैं पीडीवी, ये हम जानते हैं वर्क को हम लिखते हैं पीडीवी, बट हमसे कहा है वर्क डन इन एक्सपेंशन ऑफ द गैस, हाउ मच वर्क इज डन इन द ऑन द एक्सपेंडिंग गैस, मतलब हम वर्क करके गैस को एक्सपेंड कर रहे हैं। तो आपको ये बात क्लियर होगी कि अगर हमने वर्क करा है गैस पर तो दैट वर्क इज टेकन एज नेगेटिव, और गैस अगर वर्क करती है तो दैट वर्क डन इज टेकन एज पॉजिटिव। तो अभी आई एम नेग्लेक्टिंग द साइन राइट नाउ, जस्ट पहले तो आप ये समझ लें वर्क डन निकलेगा कैसे। तो हम इसको कह सकते हैं वी इनिशियल से वी फाइनल तक हमने इंटीग्रेट करना है, तो v इनिशियल से v फाइनल तक हमने इंटीग्रेट करना है, तो हम इसको प्रेशर को क्या लिखेंगे अल्फा v स्क्वायर dv, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करोगे इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू तक। इसको अगर आप इंटीग्रेट क्यों करोगे भाई, प्रेशर की वैल्यू आपको दे रखी थी अल्फा v स्क्वायर, तो हमने उसको सिंपली सब्स्टिट्यूट कर दिया यहां पर, ठीक है। तो अब इसको आप क्या लिख सकते हो अल्फा एज इट इज v स्क्वायर dv मतलब v क्यूब बाई 3, कहां से कहां तक v इनिशियल से v फाइनल, ये आएगा। इसका मतलब जब आप वर्क डन लिखेंगे तो दिस वर्क डन वुड बी इक्वल टू 1 बाय 3 टाइम्स ऑफ अल्फा, दिस इज वी फाइनल का क्यू माइनस ऑफ वी इनिशियल का क्यू, यही तो करेंगे अपर लिमिट माइनस ऑफ लोअर लिमिट। तो वर्क डन वुड बी इक्वल टू 1 बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय अल्फा, वी फाइनल इज 2 मीटर का क्यूब एंड वी इनिशियल इज कहां गया, वी इनिशियल इज 1 मीटर का क्यूब, इज इट करेक्ट। और अल्फा की वैल्यू कितनी है, तो अल्फा की वैल्यू है 5 एटीएम एम टू द पावर 6, ठीक है, ये अल्फा की वैल्यू है। तो हमें क्या करना है, हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना, इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा पास्कल में, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, ध्यान से देखें आप, ये तो पहले मैं वैल्यूज लिख देता हूँ, चलो यहाँ पर वैल्यू के लिए स्पेस कम पड़ रहा है। तो ये वाली बात आपको यहां तक क्लियर हो गई, ये वाला केस आपको समझ में आ गया यहां तक। अब इसमें हमें सिर्फ वैल्यूज रखनी है, मैं वैल्यूज में आपको बता देता हूँ आपको अल्फा की वैल्यू क्या रखनी होगी। तो अल्फा की वैल्यू आप रखेंगे 5 इंटू 1.01 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 5, दिस विल कन्वर्ट इट इनटू एटीएम से इसको किसमें कन्वर्ट कर देगा, ये पास्कल में, ठीक है, ये पास्कल में कन्वर्ट हो जाएगा। और वॉल्यूम जो है आपकी वो वी फाइनल आपको गिवन है 2 मीटर क्यूब, और v इनिशियल आपको कितना गिवन है, तो 1 मीटर क्यूब गिवन है। आप सारी वैल्यूज रख के सॉल्व कर लीजिए, सारी वैल्यूज रख के आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको जो आंसर आएगा इसका वर्क डन का वो 1.18 इनटू 10 टू द पावर 6 आएगा, ठीक है। अरे मैंने म्यूट व्यूट तो नहीं कर रखा, नहीं भाई, ठीक है, सबको समझ में आ गई बात। ओके, आई हैव वन मोर क्वेश्चन फॉर यू, डोंट वरी। हो गया बच्चे, ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है उसको सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपसे क्या कहता हूँ, एक आइडियल गैस है और इनिशियल टेम्परेचर ऑफ दिस आइडियल गैस इज 30 केल्विन, एंड दिस आइडियल गैस गोज अंडरगोज एन आइसोबारिक एक्सपेंशन,
ऑल्दो आइसोबारिक एक्सपेंशन का हम वर्क डन अभी निकालना बाकी है, वो हम सीखेंगे, बट ये आइसोबारिक एक्सपेंशन हो रहा है. आइसोबारिक का मतलब होता है प्रेशर कॉन्स्टेंट है. दैट इज पी इज कॉन्स्टेंट ना. आइसोबारिक का मतलब तो यही होता है प्रेशर कॉन्स्टेंट. तो प्रेशर कॉन्स्टेंट है और आपसे कहता है कि अंडरगोज आइसोबारिक एक्सपेंशन. किस प्रेशर पे जाता है? एट प्रेशर इज इक्वल टू 2.50 किलो पास्कल. इस प्रेशर पर एक गैस आइसोबारिक एक्सपेंशन होता है. एक गैस का, इस गैस का इनिशियल वैल्यू एक्सपेंशन होता है तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा. तो इनिशियल वॉल्यूम 1 m³ है, फाइनल वॉल्यूम इज 3 m³. और हमसे बोला गया कि इस प्रोसेस में द एनर्जी ट्रांसफर्ड ठीक है टू द गैस इज इक्वल टू 12.5 किलो जूल. दिस मच ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू द गैस. ठीक है, आपका सवाल क्या है? आपका सवाल यह है कि पहला यू हैव टू फाइंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी और दूसरा यू हैव टू फाइंड द फाइनल टेम्परेचर. टी फाइनल इज इक्वल टू व्हाट? आई होप आपको सवाल क्लियर हो गया होगा. मैं सवाल फिर से पढ़ देता हूं कि देयर इज अ गैस एंड द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ दैट गैस इज गिवन टू अस. द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द गैस इज इक्वल टू 30 केल्विन. आपको प्रेशर ऑफ द गैस पता है कि प्रेशर ऑफ द गैस इज 2.50 किलो पास्कल. इनिशियल वॉल्यूम इज 1 m³ एंड फाइनल वॉल्यूम इज 3 m³. गैस को हमने 12.5 किलो जूल ऑफ एनर्जी प्रोवाइड किया है. हमने गैस को 12.5 किलो जूल ऑफ एनर्जी प्रोवाइड किया तो हमसे पूछ रहा है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होगा और जो हमारा फाइनल टेम्परेचर है वो कितना होगा. तो दीज आर टू थिंग्स दैट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन. ठीक है, तो आप करो, कोशिश करो जल्दी से. आधे मिनट का समय दे रहा हूँ, जल्दी से कोशिश करके मुझे बताओ कर पाओगे या नहीं कर पाओगे. थिंक अबाउट दिस. हिंट चाहिए तो मैं हिंट दे देता हूं कि पहला पार्ट सॉल्व करने के लिए यूज द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यू कैन यूज टू कैलकुलेट द फर्स्ट पार्ट. चलो मैं बताता हूं सर, हमें पहला जो केस है उसमें क्या निकालना है. तो उसमें हमें निकालना है कि भाई एनर्जी इज गिवन टू द गैस. आपको ये बताना है कि वॉल्यूम उसका इंक्रीज हो रहा है 1 m³ से 3 m³ और 12.5 किलो जूल ऑफ हीट इज ट्रांसफर टू द गैस. तो आपको बताना है चेंज इज इंटरनल एनर्जी बताना है और इसका फाइनल टेम्परेचर बताना है. ठीक है, तो अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा. तो इसमें अगर मुझे इंटरनल एनर्जी का चेंज बताना है तो हमें एक बात पता है कि भाई डेल्टा क्यू जो होता है ना, डेल्टा क्यू दैट कैन बी रिटन एज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस ऑफ डेल्टा डब्ल्यू. भाई क्यू की वैल्यू को हम ऐसे लिखते हैं ना, डेल्टा यू प्लस ऑफ डेल्टा डब्ल्यू, यही तो लिखते हैं. ठीक है, और हमसे कहा है आइसोबारिक प्रोसेस है. तो आइसोबारिक प्रोसेस इसका मतलब डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू हमें पता है. डेल्टा डब्ल्यू को हम पी सिंपली वर्क डन लिख सकते हैं. वर्क डन वुड बी इक्वल टू पी मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा वी. और हीट कितना ट्रांसफर करा है वो हमें गिवन है. ठीक है, तो हमें डेल्टा यू निकालना है. तो हीट ट्रांसफर हमें पता है. हीट ट्रांसफर की वैल्यू कितनी है हमें वो गिवन है. कितना है? 12.5 किलो जूल है. तो किलो जूल को हम जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो इसको हम लिख सकते हैं 12.5 किलो जूल मतलब 12.5 इनटू 10 टू द पावर 3 जूल्स इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस ऑफ डेल्टा डब्ल्यू. डेल्टा डब्ल्यू को मैं पहले लिख देता हूं ऐसे ताकि आपको याद रहे कि मैंने क्या लिखा था. वर्क डन मैंने आपको बताया था ना, पीडीवी इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला. तो अगर हमारा आइसोबारिक प्रोसेस है तो मतलब प्रेशर कॉन्स्टेंट है. प्रेशर को बाहर कर दिया तो डीवी का इंटीग्रेशन करेंगे इनिशियल से फाइनल तक.
तो ये क्या आ जाएगा, पी इंटू वी फाइनल माइनस ऑफ पी वी इनिशियल, और वी फाइनल माइनस वी इनिशियल करोगे तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल मतलब चेंज इन वॉल्यूम है, और चेंज इन वॉल्यूम को ही डेल्टा वी हम लिखते हैं। तो चेंज इन वॉल्यूम को ही हम क्या लिखते हैं, डेल्टा वी लिखते हैं। तो इसलिए मैंने इस वर्क डन को कितना लिखा है, तो वर्क डन आई हैव रिटन इट एज पी डेल्टा वी, इज इट क्लियर? ठीक है, तो अब आपको डेल्टा यू निकालना है, तो डेल्टा यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12.5 इंटू 10 टू द पावर 3 माइनस ऑफ दिस पी, पी की वैल्यू कितनी है, 2.50 किलो पास्कल। ठीक है, ओके, तो इसको पास्कल में कन्वर्ट करो, 2.50 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 3 इंटू द वॉल्यूम का डिफरेंस। तो वॉल्यूम का डिफरेंस कितना है, तो वॉल्यूम का डिफरेंस है सर हमारा इंटू 3 मीटर क्यूब से 1 मीटर क्यूब, तो वॉल्यूम का डिफरेंस हो जाएगा 3 माइनस 1, ये तो आ जाएगा, तो 3 माइनस 1 मीटर क्यूब। अब ये जिस इससे सॉल्व करके जो भी आ जाए, ठीक है सर। दूसरा पार्ट, एज प्रेशर इज कॉन्स्टेंट, बिकॉज प्रेशर कॉन्स्टेंट है, तो मैं ये कह सकता हूं कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ V1 by T1 is equal to V2 by T2 लिख सकता हूँ, यानी हमें T2 निकालना है, तो T2 को हम ऐसे लिख सकते हैं V2 multiplied by T1 divided by V1 लिख सकते हैं, यानी तो T2 की वैल्यू को हम कितना लिख सकते हैं, V2 is equal to 3, T1 की वैल्यू कितनी है 30 Kelvin divided by V1, V1 की वैल्यू कितनी 1, तो T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, T2 की वैल्यू 90 आ रही है शायद, हो गया बच्चे? ओके, वन मोर क्वेश्चन एंड देन वी विल टॉक अबाउट द डिफरेंट थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस। इसको इरेज कर दूं, ठीक है, तो एक और सवाल कर लो, उसके बाद वी विल स्टार्ट द डिफरेंट थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि द टेम्परेचर ऑफ 3 kg ऑफ नाइट्रोजन, 3 kg ऑफ नाइट्रोजन, ये हमारा गैस है 3 kg ऑफ नाइट्रोजन, इसका इनिशियल टेम्परेचर है हमारा 10 degree centigrade और फाइनल टेम्परेचर ऑफ दिस गैस इज 100 degree centigrade। कंप्यूट द हीट एडेड वर्क डन एंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इफ This is done at constant volume and if the heating is constant pressure. देखो इसमें क्या क्या निकालना है आपको, आपको निकालना है Q की वैल्यू कितनी होगी, मतलब कितना हीट हमने सिस्टम को दिया, वर्क डन की वैल्यू कितनी हुई ये, और तीसरा जो पार्ट है इंटरनल एनर्जी का चेंज भी निकालना है। इफ पहली बार आपसे कहता है कि ये प्रोसेस, इफ द हीटिंग इज एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, और एक दूसरा इफ हीटिंग इज एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, मतलब इफ इफ में दो कंडीशन दे दिया उसने, एक तो ये कि आप एक बार मानो कि हीटिंग इज डन एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, और दूसरा आपसे कहता है कि हीटिंग इज डन एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। दो पार्ट दिया आपको, आपसे सिंपली कहता है कि 3 kg ऑफ नाइट्रोजन है, और इस 3 kg ऑफ नाइट्रोजन का आपने क्या करना है, आपको हीट करना है, ठीक है, सो दैट इसका जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर कहां से कहां चला जाए, 10 degree centigrade से 100 degree centigrade पे चला जाए। और इसमें आपको दो चीजें दे रखी हैं, स्पेसिफिक हीट की वैल्यू दे रखी है एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, दैट इज 1400 joule per kg Kelvin, और दूसरा आपको दे रखा है स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम की वैल्यू, दैट इज 740 joule per kg Kelvin। ये आपको दो चीजें दे रखी हैं। अब आपको सवाल सॉल्व करना है एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। तो पहला केस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, व्हाट विल बी द वैल्यूज ऑफ एंड इंटरनल एनर्जी का चेंज, एंड सिमिलरली एट कॉन्स्टेंट प्रेशर व्हाट विल बी द वैल्यूज ऑफ दिस। करो भाई,
चलिए मैं भाई, पहली बात मुझे बेटे बताओ, इफ द प्रो इफ द प्रोसेस इज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इफ द हीट इज बीइंग प्रोवाइडेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जैसा कि आपसे बोला गया कि पहला जो केस है उसमें हीटिंग इज बीइंग डन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये पहले कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है ना, तो इफ दिस हीटिंग इज बीइंग डन एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, मुझे एक बात बताओ, व्हाट डू यू थिंक द वर्क डन वुड बी? बच्चे जल्दी बोल, अगर ये हीटिंग कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है तो वर्क डन कितना होगा? अगर वॉल्यूम में चेंज नहीं आए तो वर्क कितना होगा? व्हाट डू यू थिंक द वर्क डन वुड बी? इफ देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वर्क डन? जीरो, ऑफ कोर्स इट वुड बी जीरो यार. वर्क डन हमने क्या बोला है? वर्क डन हमने जनरल केस डेल्टा वी, सिंपल सी बात. डेल्टा वी इज व्हाट? चेंज इन वॉल्यूम. इफ द चेंज इन वॉल्यूम इज जीरो तो वर्क डन वुड बी इक्वल टू जीरो. एंड हाउ डू यू थिंक द चेंज इन वॉल्यूम इज जीरो? बिकॉज हमसे क्वेश्चन में साफ साफ कहता है, चीख चीख के कह रहा है कि कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे, पहली बार आप अज्यूम करो कि गैस को आप हीट कर रहे हो, तो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे अगर हीट कर रहा हूं तो वर्क डन वुड बी जीरो. और इंटरनल एनर्जी का चेंज ये जो हमसे पूछा है, तो ये क्या हो जाएगा? एन सी वी मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी, दिस वुड बी द इंटरनल एनर्जी का चेंज. तो डेल्टा यू वुड बी इक्वल टू व्हाट? एन. एन में हमसे क्या है, तो ये 3 kg दे दिया इसने, ठीक है, और सी वी की वैल्यू हमें दे रखा है 740, है ना, और टेम्परेचर का डिफरेंस कितना दे रखा है, 100 - 10. समझ में आ रही बात? अरे हाँ ना बोल. तो इससे नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो आप एन सी वी डेल्टा टी. ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स आप निकाल लोगे गिवन मास अपॉन मोलर मास. तो गिवन मास आपको जो भी गिवन है उसको लिख दो, मोलर मास उसका जो है नाइट्रोजन का वो लिख दो, तो ये नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा. यहाँ से ये सीवी की वैल्यू आपको गिवन है 740, ये 740 आप प्लेस कर दोगे यहाँ पर, और टेम्परेचर का चेंज कितना है, 100 - 10, ये आप ऐसे लिख सकते हो. क्लियर हो गई बात? दूसरी बात यह है कि आपको दूसरा पॉइंट क्या निकालना है, क्यू की वैल्यू निकालनी है. तो हमें मालूम है फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस ऑफ डेल्टा डब्ल्यू, जीरो है तो डेल्टा क्यू डेल्टा यू के बराबर होगा. पता नहीं होगा कि नहीं होगा. इसी तरह से जब दूसरा प्रोसेस था, दूसरा प्रोसेस डेल्टा क्यू मतलब हीट गिवन एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, हमने कल पढ़ा है कि इसको एनसीपी डेल्टा टी लिख सकते हैं. एन की वैल्यू आपने जो पहले पता की होगी वो यहाँ रख दीजिएगा, सीपी को आप यहाँ से यहाँ लाके सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा. डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है, तो अगेन 100 - 10, दैट विल बी योर डेल्टा टी. तो यहाँ से ये वैल्यू निकल आएगी. समझ रहे हैं आप? क्लियर है? तो ये डेल्टा क्यू निकल आएगा. एन सी वी डेल्टा टी मतलब दूसरा केस इंटरनल एनर्जी का चेंज. तो हमने आपसे हमेशा कहा कि चाहे प्रोसेस कोई सा भी हो, यू कैन राइट इट एज एन सी वी डेल्टा टी. प्रोसेस कोई सा भी हो, डेल्टा यू को सिंपली आप कितना लिख सकते हो, एन सी वी डेल्टा टी लिख सकते हो. और बिकॉज आपको सी वी गिवन है ऑलरेडी, तो आपने पहले इस पार्ट में सी वी कैलकुलेट, एन सी वी डेल्टा टी कैलकुलेट किया है, वही वैल्यू यहाँ पर भी रखी जाएगी, उसमें फर्क नहीं पड़ जाएगा बिकॉज द गैस इज सेम. तो एन की वैल्यू सेम, सी वी की वैल्यू सेम. नहीं, यू डोंट नीड टू कन्वर्ट द टेम्परेचर इन टू केल्विन बिकॉज द आंसर्स दैट यू विल गेट विल बी इन जूल्स. आपका जो आंसर आएगा वो जूल में आ जाएगा, तो यू डोंट नीड टू चेंज इट इन टू केल्विन. यू कैन सिंपली राइट इट इन टू इन टर्म्स ऑफ डिग्री सेंटीग्रेड बिकॉज ऑल अदर क्वांटिटीज आर गिवन इन एज जूल पर के जी. नहीं, यहाँ पर एक मिनट, ये 1400 जूल के जी केल्विन गिवन है, जूल के जी केल्विन गिवन है. हाँ, यहाँ पर आप कन्वर्ट कर लो, यहाँ पर आप इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर को कन्वर्ट कर लो केल्विन में. यस, यू विल हैव टू कन्वर्ट इट इनटू केल्विन. कन्वर्ट नहीं किया है तो मैं इसको 273 से मल्टीप्लाई कर देता हूं. क्लियर है? टू डेल्टा यू यहां से निकल आएगा, डेल्टा क्यू यहां, कोई बड़ी बात नहीं है. फिर से हम फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज कर सकते हैं. डेल्टा डब्ल्यू इस केस में कितना होगा, डेल्टा क्यू माइनस ऑफ डेल्टा यू, इससे जो भी आ जाएगा वो वर्क डन दे देगा. इसमें कोई कष्ट है बेटा? कर लोगे ऐसे ऐसे सवाल, हम प्रोसेस पे आए या कोई चीज बतानी है तो पूछो.
बेटा ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप कर लेंगे। एक बात याद रखिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि प्रोसेस चाहे कोई सा भी हो, इंटरनल एनर्जी का चेंज आप डायरेक्टली एनसीवी डेल्टा टी लिख सकते हो। अगर आपको सीवी गिवन है या आपको ये पता है कि गैस मोनोएटॉमिक है या डायएटॉमिक है, इस तरह से चीजें पता है, तो आप बिल्कुल सीवी की वैल्यू लिख सकते हो। तो इंटरनल एनर्जी का चेंज चाहे प्रोसेस कोई सा भी हो, आइसोबारिक हो, आइसोकोरिक हो, पॉलीट्रॉपिक हो, प्रोसेस कोई सा भी हो, तो हमें सिंपल सी बात याद रखनी है कि हम इंटरनल एनर्जी का चेंज तो हमेशा एनसीवी डेल्टा टी लिख सकते हैं। ये पहली चीज तो हमारे पास हमेशा रहेगी, ठीक है। चलो अब डिफरेंट प्रोसेस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के डिफरेंट प्रोसेस पे आते हैं। सबसे पहला प्रोसेस जिस पे हमारी चर्चा, और आपको ये प्रोसेसेस याद होंगे, मैं सिर्फ उसको ब्रश अप कर रहा हूं सारे आइडियाज को, आइसोथर्मल प्रोसेस। अब आइसोथर्मल प्रोसेस थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस इफ इट इज कैरिड आउट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब है कि टेम्परेचर इज कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पे गैस एक्सपैंड हो रही हो या गैस कंप्रेस हो रही हो, तो दैट प्रोसेस विल बी सिंपली कॉल्ड एज आइसोथर्मल प्रोसेस, राइट। अच्छा, इसमें एक बात याद रख सकते हो कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए एक बात याद रखिएगा कि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। इसका मतलब कि गैस का जो टेम्परेचर वो कांस्टेंट होना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर गैस को हम कंप्रेस कर रहे हैं, तो आपको हमेशा पता है कि व्हेनेवर द गैस विल बी कंप्रेस्ड, द हीट एनर्जी ऑफ द गैस विल इंक्रीज, राइट। गैस को अगर आप कंप्रेस कर रहे हो ना, तो यू आर डूइंग सम वर्क एंड दैट वर्क विल इंक्रीज द हीट एनर्जी ऑफ द गैस। तो अगर हीट एनर्जी बढ़ी है तो टेम्परेचर बढ़ेगा। इसका मतलब है कि जो एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट आया है, that should not remain in the gas, that must go out of the cylinder, right? तभी तो temperature constant हो सकता है कि जो extra heat है वो surrounding में जानी चाहिए, तभी temperature constant होगा। और वो surrounding में जाने के लिए आप एक बात याद रखिएगा कि heat को surrounding में जाना है अगर, तो जो container है जिसमें ये हमने gas रखा हुआ है, the walls of that container must be conducting. वॉल्स जो होने चाहिए उस कंटेनर के, वो कंडक्टिंग होनी चाहिए, सो दैट देयर कैन बी द ट्रांसफर ऑफ हीट बिटवीन द गैस एंड द सराउंडिंग, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये प्रोसेस बहुत स्लो होना चाहिए। स्लो, ऐसे स्लो प्रोसेस को हम क्वासी स्टैटिक प्रोसेस कहते हैं। आपने सुना होगा, मैं आपको ये बात जल्दी से बता दूं कि अगर मान लो ये सिलेंडर और ये पिस्टन है, और यहाँ पर एक कोई मास रखा हुआ है आपने भारी भरकम सा, ये दो ऐसे समझ लो, ये दो मास हुए हैं इस पर, अगर आप ये हटा दो तो ये एक्सपैंड करेगा, और ये एक्सपैंड करेगा तो दिखाई देगा आपको, इसका एक्सपेंशन बहुत जल्दी होगा अगर, क्योंकि भारी चीज रखी हुई थी, हटाओगे तो अचानक ही एक्सपैंड करेगा, तो ये फास्ट प्रोसेस कहलाएगा। बट अगर यही सिलेंडर और ये पिस्टन, और इस पर आप इंस्टेड ऑफ प्लेसिंग द टू वेट्स, आप सोचो सैंड के पार्टिकल्स रख दिया आपने, सैंड के पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स ऑफ सैंड आपने इस पे प्लेस कर दिया, मतलब ऐसा समझो सैंड रख दिया इस पर, सैंड। अब इस सैंड को आप पिंच बाय पिंच हटाओ, चुटकी से उठाओ, मतलब दो उंगली की मदद से पकड़ पकड़ के सैंड हटाओ, तो ये एक्सपैंड जरूर कर रहा होगा, बट ये प्रोसेस इतना स्लो होगा, इतना स्लो होगा कि आपको एज सच एक्सपेंशन समझ ही नहीं आएगा कि एक्सपेंशन हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, बिकॉज द प्रोसेस विल बी सो स्लो, राइट। तो ऐसा प्रोसेस विच इज सो वेरी स्लो, विच अपीयर्स टू बी एट रेस्ट ऑलवेज, मतलब इस केस में अगर आप देखेंगे तो ये प्रोसेस इतना स्लो है कि आपको हमेशा लगेगा कि ये पिस्टन मूव हुआ ही नहीं है, ये पिस्टन हमेशा रेस्ट में रहा है, तो ये प्रोसेस इतना स्लो है। तो ये प्रोसेस अगर इतना स्लो है कि वेयर यू ऑलवेज ऑब्जर्व दैट कि गैस इज नॉट एक्सपेंडिंग या पिस्टन इज नॉट मूविंग, मतलब इट विल अपीयर टू यू that the piston is not moving, it is always at rest. So, aisa process is called as quasi-static. Quasi ka matlab hota hai same hi. So, ye aapko aisa lagega ki ye chal raha hai ya nahi chal raha hai, pata hi nahi chal raha. So, aisa process agar hota hai, to is case mein heat ko necessary amount of time mil jata hai to exchange between the system and the surrounding. बात समझ में ही, इतना टाइम मिल जाता है ताकि वो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक्सचेंज हो सके। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हमेशा याद रखिएगा कि वॉल्स ऑफ द कंडक्टर मस्ट बी कंडक्टिंग एंड प्रोसेस must be carried very
स्लोली प्रोसेस कैसे होना चाहिए, बहुत स्लो, इट शुड बी अ वेरी स्लो प्रोसेस, स्लोली स्लोली, सो दैट इट वो टाइम मिल जाए टू एक्सचेंज, राइट। दूसरा पॉइंट इस केस में जो इक्वेशन ऑफ स्टेट कहते हैं जिसको, इन द केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस इक्वेशन ऑफ स्टेट, दैट इक्वेशन ऑफ स्टेट इज सिंपली नथिंग बट पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, दिस इज योर इक्वेशन ऑफ स्टेट, ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ स्टेट कहलाता है इस केस में। तीसरा पॉइंट, व्हाट विल बी द इंडिकेटेड डायग्राम फॉर दिस, तो इंडिकेटेड डायग्राम पे जाने से पहले मैं आपको वर्क डन दिखा दूं, इस केस में वर्क डन की वैल्यू क्या होगी। तो अगर इसमें वर्क डन आप निकालेंगे तो वर्क डन वुड बी इक्वल टू PDV, ये हमारा जनरल फॉर्मूला है, V इनिशियल से V फाइनल, अगर हम इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर प्रेशर भी वेरी करेगा और वॉल्यूम भी वेरी करेगा, तो प्रेशर को हम क्या लिख देते हैं इस वाले इक्वेशन को यूज करते हुए, प्रेशर की जगह हम लिख सकते हैं NRT by V into DV, V इनिशियल से V फाइनल। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो वर्क डन की जो वैल्यू आती है, द वर्क डन दैट वी गेट इज इक्वल टू 2.303 n into r into t log base of 10, this would be v final upon v initial। ये तो work done आप अगर volume के terms में लिखेंगे तो this will be the work done that you will write in terms of volume। ये बातें लिख लो तो मैं आगे बताऊं और चीजें मैं सिखाऊं, ये point note करो जल्दी से तो मैं और बातें सिखा पाऊं। ठीक है, अब देखिए, as we know that के in the isothermal process there is a relation which says v1 upon t1 is equal to v2 upon t2, यही तो होता है, मतलब v, इस बात को मैं ऐसे लिख देता हूँ, v initial, because process कैसा है, process isothermal process है, right? तो हमें एक बात मालूम है कि यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका मतलब हम जानते हैं कि PV इज इक्वल टू NRT, ये पूरा टर्म कांस्टेंट है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि भाई PV, तो ये P2 V2 हम लिख सकते थे, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि पी वन अपॉन पी टू इज इक्वल टू वी टू अपॉन वी वन, ऐसा लिख सकते हैं ना, पी वन अपॉन पी टू इज इक्वल टू वी टू अपॉन वी वन, तो लिख ही सकते हैं इसको। इसका क्या मतलब, अभी मैंने जो वर्क डन लिखा है दैट आई हैव रिटन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, राइट, इस वर्क डन को हम प्रेशर के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, जब हम प्रेशर के टर्म्स में लिखेंगे तो यही वर्क डन, द सेम वर्क डन वुड बी रिटन एज इक्वल टू 2.303 एन आर टी लॉग 10 पी इनिशियल अपॉन पी फाइनल, दिस विल बी योर वर्क डन, वहां पर लिखा था ना v final upon v initial, तो प्रेशर के टर्म्स में ये p initial upon p final होगा। दूसरा पॉइंट, इसी केस में अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाते हैं, डेल्टा q is equal to डेल्टा u plus of डेल्टा w, तो इस केस में हमें एक बात पता है, as the temperature remains constant, internal energy का change will be zero, तो isothermal के केस में whatever the heat is given will be exactly equal to the work done, either on the system or by the system, ठीक है। तीसरा पॉइंट हो गया, चौथा पॉइंट, स्पेसिफिक हीट अगर आपको याद हो तो मैंने लिखा था Q डिवाइडेड बाय M मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा T, ये स्पेसिफिक हीट का मतलब होता है हीट गिवन अपॉन टोटल मास ऑफ द सब्सटेंस मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा T, एज डेल्टा T इज इक्वल टू जीरो बिकॉज टेम्परेचर विल नॉट चेंज इन दिस प्रोसेस, स्पेसिफिक हीट विल बी इनफाइनाइट, मतलब ड्यूरिंग दिस प्रोसेस अगर आप इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ हीट भी प्रोवाइड करते हो, अगर आप इनफाइनाइट अमाउंट, so there will be no change in the temperature of the gas, right? Next point, इस केस में अगर इंडिकेटर डायग्राम आप बनाएंगे तो इंडिकेटर डायग्राम जो आपका बनेगा P versus V का, वो आपका ऐसे बनेगा, कर्व बनेगा, ठीक है, कर्व बनेगा, ये बनेगा एक्सपेंशन के केस में, और यही इंडिकेटर डायग्राम अगर आप कंप्रेशन के केस में बनाएंगे, कंप्रेशन तो PV ऐसा ही कर्व बनेगा, बट ये उल्टा हो जाएगा, दिस वुड बी द केस ऑफ कंप्रेशन, राइट। अब इस केस में ये जो हमने ये डायग्राम लिए हैं, मतलब ये जो कर्व लिया है, इन कर्व्स पे अगर किसी भी पॉइंट पर, ये पॉइंट मान लो और इस पॉइंट पे हम टेंजेंट ले लें, ऐसे ये पॉइंट पे हमने टेंजेंट ले लिया, तो इसका ये स्लोप आएगा ना, स्लोप आप लोगों ने सुना होगा, काइनेमेटिक्स में भी स्लोप सुना होगा,
ये जो स्लोप आता है ना इस इन कर्व्स का, वो tan theta will always be equal to p by v. ये स्लोप होता है, ये इंडिकेटर डायग्राम का, इस इंडिकेटर डायग्राम का जो थीटा होता है, और tan theta की वैल्यू यहाँ पर कितनी होती है, तो tan theta की वैल्यू यहाँ पर p v होती है. इज इट क्लियर? इसको नोट करिए सर, तो मैं आगे बताऊं और दूसरे प्रोसेस के बारे में. इस प्रोसेस में जो जो बातें कर सकते थे हमने करी हैं. क्या हो गया भाई, ये तो किसी ने लिख दिया इसको. Is it done? आपने ये नोट कर लिया? ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रोसेस पे आते हैं वन बाय वन. अच्छा, ये जो tan theta जहां पर लिखा है ना बेटा, इसके साथ माइनस साइन लगा लेना, ये माइनस ऑफ p बाई वी होता है एक्चुअली में, इट इज माइनस ऑफ p बाई वी. ठीक है, चलो तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं, जल्दी जल्दी बात करेंगे. इसको इरेज कर रहा हूं मैं. अब देखिए, नेक्स्ट प्रोसेस जो हमारा है वो आइसोबारिक प्रोसेस. वन बाय वन सारे प्रोसेस समझ लो, फिर उससे रिलेट करके क्वेश्चंस हम कर लेंगे. आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस का क्या मतलब सर? आइसोबारिक प्रोसेस का मतलब प्रेशर विल रिमेन कांस्टेंट. प्रेशर इज कांस्टेंट, मतलब द प्रोसेस विल बी कैरीड एट अ कांस्टेंट प्रेशर, द प्रेशर विल बी कांस्टेंट, राइट? इस केस में पहला पॉइंट, इक्वेशन ऑफ स्टेट, इक्वेशन ऑफ स्टेट, मतलब ये किस इक्वेशन को ओबे करेगा. ठीक है, तो दिस इक्वेशन ऑफ स्टेट वुड बी इक्वल टू अगेन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी. इस केस में बिकॉज प्रेशर इज कॉन्स्टेंट, एन आर विल बी अ कॉन्स्टेंट, तो हम ये कह सकते हैं कि वी वन अपॉन टी वन इज इक्वल टू वी टू अपॉन टी टू विल बी इक्वल टू अ कॉन्स्टेंट. क्या हो गया दमन, वाई आर यू राइटिंग ऑन द स्क्रीन? ठीक है, ये आ जाएगा आपका दूसरा पॉइंट, व्हाट विल बी द वर्क डन इन दिस पर्टिकुलर केस. तो अगर हम वर्क डन की बात करें, वर्क डन इन दिस प्रोसेस, तो वर्क डन विल बी वेरी ऑब्वियस. ये दूसरे वाले केस में जो हम वर्कडन लिखेंगे, तो ये वर्कडन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो वर्कडन की वैल्यू यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है, तो सिंपली वर्कडन विल बी इक्वल टू हु इज दिस एनान, वहां भी पागल बच्चे हैं. ठीक है, तो वर्क डन इस प्रोसेस में अगर हम लिखेंगे, तो सिंपली वर्क डन वुड बी इक्वल टू व्हाट? तो वर्क डन मैंने अभी भी बताया था, पी इंटू डेल्टा वी, बिकॉज प्रेशर इज कांस्टेंट. तो प्रेशर को इंटीग्रेशन से बाहर कर दो, तो सिंपली वॉल्यूम का चेंज, वॉल्यूम का चेंज जो आएगा दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क डन. इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एनआर मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी, पी डेल्टा वी इज इक्वल टू एनआर मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि पी वी इज इक्वल टू एनआर टी होता है, राइट? ठीक है, तो दिस इज द वर्क डन, राइट? नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर सुनिएगा. तो नेक्स्ट पॉइंट में हम आपसे कहें, तो यहाँ पर पॉइंट नंबर थ्री, व्हाट वुड बी द शेप ऑफ द इंडिकेटर डायग्राम. तो अगर हम प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो या तो ये ऐसे आएगा या ये ऐसे आएगा, है ना? ये वाला प्रेशर कांस्टेंट है और ये एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम है. तो अगर ये ऐसे बनाए, इसका मतलब इट इज रिप्रेजेंटिंग एक्सपेंशन और दिस इज रिप्रेजेंटिंग कॉम्प्रेशन. ये एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये कॉम्प्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है. इज इट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, इस केस में स्पेसिफिक हीट आपको मालूम है. इस केस में इफ आई टॉक अबाउट द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, तो अब ऑब्वियस सी बात है कि स्लोप विल बी इक्वल टू जीरो. अगर इस केस में हम स्लोप की बात करें, तो स्लोप कितना होगा सर? स्लोप विल बी इक्वल टू जीरो. इज इट क्लियर? दूसरा पॉइंट इसमें याद रखिएगा कि अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखते हैं, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू,
प्लस ऑफ डेल्टा डब्ल्यू। तो अगर मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखता हूँ यहाँ पर, तो मैं आपको एक बात बता सकता हूँ कि हम लोगों ने लिखा था कि एज डेल्टा यू वॉज इक्वल टू वॉट, तो दिस वॉज इक्वल टू एन आर डिवाइडेड बाई गामा माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी, एंड डेल्टा डब्ल्यू अभी मैंने लिखा है कि इट कैन बी रिटन एज एन आर डेल्टा टी। इन दोनों वैल्यूज को यहाँ रख के एड कर दो तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा क्यू, एंड डेल्टा क्यू विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू एन सी पी मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी। ये पहले भी हमने पढ़ा था। इसका मतलब अगर हमारा आइसोबारिक प्रोसेस है तो उसमें डेल्टा क्यू को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं एन सी पी मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी। क्यों? क्योंकि इन दोनों को अगर हम एड करेंगे ना यहाँ पर रख के ये वैल्यूज को, तो हमें ये रिजल्ट मिल जाएगा। जो मैं ऐड करके दिखा नहीं रहा हूँ, मैं डायरेक्ट आपसे ये कह रहा हूँ कि हमें ये रिजल्ट मिल जाएगा। तो जब हमें ये रिजल्ट मिल जाएगा, इसका मतलब है कि एट कांस्टेंट प्रेशर जो भी हम हीट देते हैं, उस हीट को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं एन सी पी मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी। इवन इफ वी डोंट नो, इफ वी डोंट नो द वर्क डन, स्टिल वी कैन राइट द वैल्यू ऑफ डेल्टा क्यू, राइट? तो ये नोट करो, नेक्स्ट प्रोसेस पे आते हैं जिसका नाम है आइसोकोरिक। जल्दी हरी अप, ओके, नेक्स्ट प्रोसेस इज आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक आइसोकोरिक प्रोसेस वॉल्यूम इज कांस्टेंट। आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, सिंपल सी बात। पहला पॉइंट, इक्वेशन ऑफ स्टेट। इस केस में भी इक्वेशन ऑफ स्टेट अगर हम लिखें तो इक्वेशन ऑफ स्टेट वुड बी PV is equal to again nRT. इस केस में वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो इसका मतलब इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं कि भाई P1 upon T1 is equal to P2 upon T2. ऐसा लिखा जा सकता है, because what is constant here? तो here the volume is constant. So this can be written as P1 upon T1 is equal to P2 upon T2. दूसरा पॉइंट, पॉइंट नंबर सेकंड, what will be the work done in this case? तो undoubtedly this is isochoric process. आँख बंद करके work done को zero लिख दो, ठीक है, work done zero. तीसरा पॉइंट, what will be the shape of the indicator diagram? तो indicator diagram अगर हम बनाते हैं यहाँ पर, तो PV या तो ये ऐसे लाइन बनेगी या ऐसे लाइन बनेगी, या तो प्रेशर बढ़ रहा होगा या प्रेशर घट रहा होगा, है ना? तो एट अ कॉन्स्टेंट वॉल्यूम या तो प्रेशर बढ़ सकता है या प्रेशर कम हो सकता है, ठीक है, प्रेशर बढ़ सकता है या प्रेशर कम हो सकता है, तो ये आपका या तो प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा। नेक्स्ट पॉइंट, कि इस केस में वर्क डन जीरो, तो इस केस में अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएं तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस ऑफ डेल्टा डब्ल्यू एज द वर्क डन इज जीरो। इसका मतलब एट कांस्टेंट वॉल्यूम व्हाटएवर इज द हीट गिवन टू द सिस्टम दैट कैन बी मेजर्ड एज एन सी वी डेल्टा टी। इसको हम लिख सकते हैं एन सी वी डेल्टा टी, दिस विल बी द हीट, राइट? ये हीट गिवन टू द सिस्टम, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, क्लियर? लिख डाला, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं, द लास्ट, नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट इन दिस केस। आई एम इरेजिंग दिस सो दैट आई कैन टॉक अबाउट द लास्ट प्रोसेस विच इज एडियाबेटिक प्रोसेस। ओके, द लास्ट प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस। निष्कर्ष, कोई अनवांटेड एलिमेंट इज ट्राइंग टू एंटर, राइट? इसको जरा एक बार अगर आइडेंटिफाई कर पाओ तो कर लेना। वैसे तो मैंने इसको वो कर रखा है, वेटिंग लगा रखा है, तो इट एंटर हो नहीं पाएगा ये, मगर देखो ये कौन है। एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है, एडियाबेटिक प्रोसेस।
एडियाबेटिक प्रोसेस की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है कि द एक्सचेंज ऑफ हीट इज इक्वल टू जीरो, डेल्टा क्यू विल बी इक्वल टू जीरो। एडियाबेटिक प्रोसेस का मतलब है कि हीट एक्सचेंज इज इक्वल टू जीरो। इसका ये मतलब नहीं है कि हम गैस के अंदर हीट ही नहीं है, हीट एक्सचेंज जीरो है, मतलब देर विल बी नो ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द सिस्टम टू द सराउंडिंग और सराउंडिंग टू द सिस्टम। इसका मतलब क्या है, ये कब ऐसा पॉसिबल है, अब इसमें सुनना। आइसोथर्मल प्रोसेस में मैंने आपसे कहा था कि वॉल्स मस्ट बी कंडक्टिंग, बट यहां पर हीट एक्सचेंज नहीं होना चाहिए, तो बिकॉज देयर शुड नॉट बी एनी एक्सचेंज ऑफ हीट, तो इसका मतलब है वॉल्स ऑफ कंटेनर मस्ट बी एडियाबेटिक। एडियाबेटिक वॉल का मतलब होता है कि हीट का एक्सचेंज नहीं होगा। दूसरा पॉइंट, सिर्फ यही काफी नहीं है, प्रोसेस मस्ट बी फास्ट, प्रोसेस मस्ट बी वेरी फास्ट। ये जो प्रोसेस है ये बहुत फास्ट होना चाहिए, दिस प्रोसेस शुड बी वेरी फास्ट। व्हाई द प्रोसेस शुड बी वेरी फास्ट, द प्रोसेस शुड बी सो फास्ट सो दैट द हीट डजंट गेट्स द एडिक्वेट अमाउंट ऑफ टाइम टू एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। फिर से मेरी बात सुनो, इसमें हमें हीट का एक्सचेंज नहीं चाहिए, अगर हमें हीट का एक्सचेंज नहीं चाहिए तो ये प्रोसेस इतना तेज होना चाहिए कि हमारा कोई हीट का एक्सचेंज नहीं हो, इसमें सिस्टम और गैस के बीच में, मतलब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, समझ में आई बात। तो ये रिक्वायर्ड कंडीशन है फॉर द एडियाबेटिक प्रोसेस। अब इसमें कुछ कुछ बातें जल्दी सुनते चलो। सबसे पहला बात, पॉइंट इक्वेशन ऑफ स्टेट। इस केस में अगर मैं इक्वेशन ऑफ स्टेट लिखूं, इक्वेशन ऑफ स्टेट, तो यहां पर समझिएगा इक्वेशन ऑफ स्टेट अभी तक हम लोग लिख रहे थे PV is equal to nRT, यहां पर होता है PV to the power gamma is equal to constant। This is one of the way of writing the equation of state। इसी इक्वेशन ऑफ स्टेट को और भी तरीकों से लिख सकते हैं। इस इक्वेशन ऑफ स्टेट को या तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं टी और वी के टर्म्स में, टीवी टू द पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या तो ऐसे लिख लें, या इसी इक्वेशन ऑफ स्टेट को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। द थर्ड वे ऑफ राइटिंग द सेम इक्वेशन ऑफ स्टेट इज टी टू द पावर गामा पी टू द पावर वन माइनस ऑफ गामा। दिस इज ऑल्सो द इक्वेशन ऑफ स्टेट, एंड ये जो है ये भी हमारा क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट है ना। इक्वेशन ऑफ स्टेट हम तीन तरीके से लिख सकते हैं। इस केस में व्हाट विल बी द वर्क डन इन दिस प्रोसेस, तो वर्क डन अगर हम निकालें इस प्रोसेस में तो वर्क डन पे ध्यान दीजिए। दूसरा पॉइंट, वर्क डन, तो वर्क डन जो होता है इस केस में, दैट वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट, तो दैट विल बी इक्वल टू एन आर टी इनिशियल माइनस ऑफ टी फाइनल, एन आर टी इनिशियल माइनस ऑफ टी फाइनल डिवाइडेड बाय गामा माइनस वन। ये हमारा वर्क डन आएगा इसमें, ठीक है। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ वर्क डन, लिख लिया ये। एक दो और पॉइंट्स बताना है, ये लिख लिया। ओके, वन और टू मोर पॉइंट्स दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। इस केस में नेक्स्ट पॉइंट दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, के अगर हम इस केस में डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस ऑफ डेल्टा डब्ल्यू लिखें, तो डेल्टा क्यू विल बी इक्वल टू कितना, जीरो। तो इस केस में हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा यू विल बी इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू, डेल्टा यू प्लस ऑफ डेल्टा डब्ल्यू वुड बी इक्वल टू जीरो, और होना भी चाहिए बिकॉज हीट इज नॉट बीइंग ट्रांसफर्ड टू द गैस और फ्रॉम द गैस टू द सराउंडिंग, ठीक है। तो इसमें हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, तो चेंज ऑफ हीट शुड बी इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट पॉइंट, इफ आई टॉक अबाउट द स्लोप, तो इस केस में जो स्लोप आता है ना, स्लोप पॉइंट नंबर फोर्थ, इस केस में जब स्लोप लिखेंगे ना, तो इसका जो स्लोप होगा दैट विल बी इक्वल टू स्लोप मतलब टैन थीटा, दैट विल बी इक्वल टू कितना, माइनस ऑफ गामा पी बाई वी, दिस विल बी द स्लोप, ठीक है। अब इस पे स्लोप में ये क्या डिफरेंस आएगा आइडियाबेटिक और आइसोथर्मल में, वो मैं कल बताऊंगा, बट दिस विल बी द स्लोप। इस केस में भी आप अगर इंडिकेटर डायग्राम बनाएंगे तो पीवी का अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो ऐसे बनेगा, और अगर कंप्रेशन हो रहा है तो पीवी डायग्राम विल बी सेम, है ना। अगर आप ध्यान से देखें तो ये पीवी इंडिकेटर डायग्राम जो हमने बनाया है, इट इज सेम एज दैट ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। ये आइसोथर्मल प्रोसेस जैसा ही तो दिख रहा है, बट देयर विल बी सम स्लाइट डिफरेंस, और ये डिफरेंस क्या होता है दैट वी विल टॉक इन द नेक्स्ट क्लास।
फिलहाल तो आप इतना नोट कर लें आज के लिए। देन ओके तो चलो आज यहीं तक, नेक्स्ट डे बात करते हैं।